क्लास 9th A and 9th B, एम आई राइट? इज इट क्लास 9? आवाज नहीं आ रही है मेरे आपकी। हमने लॉगिन कर लिया है 10th A से, बट एक्चुअली क्लास 9th A है। अच्छा, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो क्लास 9th है, रेज योर हैंड्स। ओके, 9th B, रेज योर हैंड्स। ओके, सो आर यू रेडी फॉर द लेक्चर, यस और नो? बोलो जल्दी से, मुझे 9th A की आवाज नहीं आ रही है। ओके ओके, सो अच्छा मुझे ये बताओ बेटा कि 9th A जो फर्स्ट स्टूडेंट है माइक के पास, द गर्ल हु इज सिटिंग नियर द माइक, आजकल क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हो साइंस में? टेल मी, माइक के पास जाकर बोलना है। द गर्ल विद द ब्लेजर, आई थिंक। मुझे आवाज नहीं आ रही बेटा माइक के, बिल्कुल माइक को थोड़ा सा अपने पास करो ना, आवाज नहीं है। मैम को कहो, मैम जरा वॉल्यूम देखेंगी आपकी, मैम जरा वॉल्यूम देखना, मुझे इनकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। नाइन्थ बी बेटा, आप जरा कोई एक मिनट, फिजिक्स फिजिक्स में मोशन समझ में आया आपको कि नहीं? यस और नो, ग्राफ समझ में आए कि नहीं? नहीं आए तो बोलो कि नहीं आए, कोई बात नहीं, मुश्किल होता है। अच्छा नो नहीं आए, कोई बात नहीं। केमिस्ट्री समझ में आई बेटा? यस और नो, एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ में आया? यस यस, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वैलेंसी, ये पता चली? ओके, यस बायोलॉजी समझ में आई हुई है? फिजिक्स में मुश्किल है, राइट? कोई बात नहीं, आज हम बायोलॉजी करके नेक्स्ट टाइम से वी विल स्टार्ट विद फिजिक्स। एवरीबडी ओके विद दैट? बैठो अपनी सीट पर बैठो बेटा। 9th A, इज इट ओके? शुड वी स्टार्ट विद फिजिक्स नेक्स्ट टाइम? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। 9th B, यस यस, चलिए वट एवर। चलिए पहले हम थोड़ा सा इस चैप्टर को, हमने क्या करना है, हम बायोलॉजी, देखो बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स सभी चैप्टर्स या सभी तीनों सब्जेक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, राइट? हम जल्दी से जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है उसका थोड़ा सा हम कर लें ताकि हमें समझ में आ जाए। इज इट ओके? ठीक है, तो आर यू रेडी? हमने कंसंट्रेशन बिल्कुल, बुक्स बंद कर देनी है, बुक्स नहीं हमने खोलनी, ठीक है? कंसंट्रेशन हमने एक तरफ लगानी है। यू नो आई हैड ए स्टूडेंट, यहाँ पे एक पंचकुला में डॉक्टर है, डॉक्टर चक्रवर्ती, उनकी बेटी थी, वो मेरे पास +1 और +2 में पढ़ती थी, राइट? अ लॉन्ग वे बैक बेटा, शी गॉट, आपको एम्स का नाम सुना है आपने, है ना? इट्स ए गुड मेडिक, अब तो बहुत सारे एम्स इंडिया में खुल गए, उस टाइम मींस 10 ईयर्स बिफोर, तो तब ओनली वन एम्स वॉज देयर, दैट इज दिल्ली एम्स, राइट? एवरीबडी कंसंट्रेट हियर, हिलना नहीं, अपनी एनर्जी को कंजर्व करना है। तो बेटा शी गॉट सेलेक्टेड इन एम्स, शी वॉज ए नेशनल, यू नो नेशनल प्लेयर ऑफ टेबल टेनिस, शी वॉज ए वेरी गुड भरतनाट्यम डांसर, एंड शी ऑल्सो रोट फ्यू नॉवल्स फॉर स्मॉल किड्स। तो एक बच्चा कैसे ये कर सकता है, ठीक है? आपसे, आप 13-14 साल के, यू मस्ट बी अराउंड 15, ठीक है? शी वॉज अराउंड 17, सो शी वॉज गुड इन स्टडीज,
शी वॉज गुड इन यू नो गेम्स ऑल्सो, शी वॉज गुड इन राइटिंग, शी वॉज गुड इन डांसिंग. हाउ शी परफॉर्म्ड? ओनली ड्यू टू कंसेंट्रेशन. वेन शी प्लेज शी कॉन्सेंट्रेट ऑन प्लेइंग ओनली, ऑन स्पोर्ट्स ओनली. एट दैट टाइम वन शुड नॉट थिंक अबाउट स्टडीज, वन शुड नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग, वन शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन स्पोर्ट. अगेन वेन वन कॉन्सेंट्रेट, वन इज गोइंग टू स्टडी, वन इज वन हैज स्टार्टेड स्टडिंग, देन द स्टूडेंट शुड 100% कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी ओनली. देन यू विल रियलाइज दैट यू डोंट नीड मच टाइम टू रिवाइज द थिंग्स, राइट? अगर आप इस टाइम क्लास पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, हमारे को ध्यान नहीं रहना चाहिए साथ में कौन बैठा है, ठीक है? हमें ध्यान नहीं रहना चाहिए कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं, हमारी कंसंट्रेशन. मुझे ये बताइए, मुझे 9th A से आवाजें नहीं आ रही है, बोलना बेटा जरा कुछ. हेलो 9th A, स्पीक लाउडली. एक बच्चा बेटा माइक के सामने बोले बेटा, द गर्ल विद द ब्लेजर, बेटा जरा माइक के पास बोलना जरा. नहीं मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी, चलिए व्हाटएवर. चलिए मैंने जो है 9th A में से. हाँ जी बच्चों, लास्ट टाइम वी हैड डन अबाउट, मैंने थोड़ा सा सब्जेक्ट से हटके, आपकी बुक से हटके आपको बताया था. वन स्टूडेंट रोल नंबर वन क्लास 9th B, माइक के पास आ जाओ जरा जल्दी से, कम नियर माइक बेटा. व्हाट वी हैड स्टडीड लास्ट टाइम, We studied about cell division. वी स्टडीड अबाउट सेल डिवीजन, दैट्स वेरी गुड. आई हैड टोल्ड यू द रीजन व्हाई द सेल डिवाइड्स, कैन यू टेल मी व्हाई द सेल डिवाइड्स? When cell divides, because अगर मैम आपने एग्जाम्पल दी थी, अगर रूम में ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बट अगर कम लोग होंगे और विंडोज प्रॉपर होंगी तो हम सर्वाइव कर पाएंगे, इसलिए वो सेल्स डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे सेल्स है. सेल्स, उसका कुछ मैथमेटिक्स मैंने कुछ आपको बताया था, सरफेस एरिया वॉल्यूम, क्या हमें सेल को क्या मेंटेन करना होता है. छोटे सेल में सरफेस टू एरिया वॉल्यूम हाई होती है कि लो होती है रेशो? Yes. द स्मॉलर सेल्स डू दे हैव हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो और लो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो? नो बेटा, दे हैव हाई. देखो हमें सरफेस, खिड़कियां कहाँ पे है? दीवारों में है, सरफेस पे है. हमें ज्यादा विंडोज चाहिए, सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए, ठीक है? किसी भी एफिशिएंसी के लिए अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें बहुत सारी विंडोज चाहिए. अंदर चाहे थोड़ी वॉल्यूम कम हो बट विंडोज हमें ज्यादा चाहिए ताकि हवा आती रहे. तो अब बताइए कि सेल रिक्वायर्स फॉर एफिशिएंसी हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो की लो? हाय हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो. आप बैठो. रोल नंबर 2 9th B, जल्दी से आ जाओ, भाग कर आया करो, भाग के फटाफट से. सो टेल मी विच सेल्स हैव हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, स्मॉलर सेल्स की लार्जर सेल्स? स्मॉलर स्मॉलर सेल्स, वेरी गुड. बैठो. रोल नंबर 3, कम फॉरवर्ड क्विकली, वेरी गुड. नाउ टेल मी, अब हमने ये क्या बताया कि सेल रिक्वायर हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, स्मॉलर सेल्स हैव हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो. सो नाउ टेल मी बेटा, व्हाई डू सेल डिवाइड? सेल को क्या रखनी है? आप अपना नाम बताओ बच्चे पहले. अरमान. अरमान. हाँ जी अरमान, पहले मैं जरा यहां से रिकॉर्डिंग जरा शुरू करूं, एक मिनट. हाँ जी अरमान, टेल मी कि सेल रिक्वायर हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, राइट और नॉट? यस और नो? आप मुझे यस और नो में आंसर दीजिए. यस यस यस. व्हेन द सेल इंक्रीजेस इन साइज इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस मोर, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज लेस. डिनोमिनेटर ज्यादा बढ़ता है, न्यूमरेटर कम बढ़ता है, तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीजेस की इंक्रीजेस? थोड़ा सा मन में देखो कि क्या मैंने बताया.
वॉल्यूम ज्यादा बढ़ता है, सरफेस एरिया कम बढ़ता है। तो अगर पहले छोटे सेल की स्मॉल सेल इसकी रेशियो जो थी वो 4 थी, लेट अस से सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो 4 थी, तो अब जो लार्जर सेल है इसकी वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गई, सरफेस एरिया कम बढ़ा है, तो ये रेशियो डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? डिक्रीज। वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया, सरफेस एरिया कम बढ़ा है, तो रेशियो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? बाकी बच्चे बताएं। डिक्रीज हो जाएगी बेटा। बेटा आप मुझे बताओ कि आपको ये बोर्ड क्लियर है? ओके तो ये डिक्रीज, तो लार्ज सेल्स का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। बैठो अरमान, आप बैठो। रोल नंबर 4। तो बेटा सेल को हाई सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो चाहिए कि लो चाहिए? सरफेस एरिया हाई चाहिए। हाई चाहिए है। तो किसका सरफेस एरिया हाई है, छोटे सेल का कि बड़े सेल का? स्मॉल सेल का। स्मॉल सेल का। दैट्स व्हाई द लार्ज सेल क्या करता है, जब सेल बड़ा हो जाता है तो वो हाई सरफेस एरिया रखने के लिए क्या करेगा? डिवीजन करेगा सेल। डिवीजन करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। सो बैठो बेटा, क्या नाम है आपका? एरिक। एरिक। बिल्कुल ठीक है बच्चे, वेरी गुड। सो व्हाट हैपेंस दैट व्हेन द सेल इंक्रीजेस इन साइज इट्स सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीजेस, बट फॉर एफिशिएंसी इट रिक्वायर्स हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। एम आई राइट? Yes. देयरफॉर टू मेंटेन हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो द सेल डिवाइड। इज इट ओके? Yes. नाउ इन अ सेल व्हाट हैपेंस फर्स्ट? यस, नाइन्थ ए। हाँ दैट्स राइट, दैट्स राइट। नाउ आई कैन हियर यू। ओके तो मैंने अभी थोड़ा सा पुराना ही रिवाइज कराया है कि व्हाई डू सेल डिवाइड? टू मेंटेन हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। ओके सो व्हाट द सेल डू फर्स्ट? दिस इज ए सेल, दिस इज इट्स न्यूक्लियस। वट इज द फर्स्ट स्टेप? And this is not visible. दिस इज नॉट विजिबल। ओके एक मिनट बेटा, एक मिनट। Please change the color of your pen? मैं अभी एक मिनट में, एक मिनट में। थोड़ी सी मेरा फेस ब्लैक लगेगा बट आपको। लेट मी चेंज। इफ यू कैन सी, यहाँ देखिए, इज इट विजिबल नाउ? नहीं दिख रहा? नहीं ओके 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 ओके। तो बस बस बस, आवाज नहीं, आवाज नहीं। आई थिंक अब आपको दिख जाना चाहिए थोड़ा सा। कोई बात नहीं, ठीक है, बस बस, आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज बिल्कुल नहीं। कॉन्सेंट्रेट हियर, बिल्कुल। दिस इज न्यूक्लियस। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिवीजन? जल्दी से बताओ, विल द न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट और द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स फर्स्ट? न्यूक्लियर एंड द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज?
यस साइंस बी न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाइंथ बी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जल्दी से रोल नंबर सिक्स आ जाओ आगे नाइंथ बी रोल नंबर सिक्स यस मैम क्या बोलते हैं इसको न्यूक्लियस के दूसरे नाम को क्या बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस यस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस बैठो बेटा एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस वेरी गुड सो इनसाइड द न्यूक्लियस व्हाट इज प्रेजेंट द This is, let us say, we are talking about nucleus. Inside the nucleus, there is a mass of entangled thread-like structures. Genetic material. This is called as? Genetic material. But these thread-like structures, it is called as chromatin. What is called as? This is called as chromatin, which is formed of DNA and proteins. So, what is chromatin? Dhyan se sunne, chromatin kya hai? Ek entangled thread-like structures hai. Bahut lambe-lambe threads hai, jinhone ek dusre ke saath fase huye hai. Wo ek entangled sa mass hai. Theek hai? So that is formed of DNA and proteins. So chromatin are the long thread-like structures formed of kisse bane hain? DNA and proteins. Chromatin is found in non-dividing cells, right? But when the cell is going to divide, jab cell ne divide karna hai, then this chromatin इट गेट्स कॉइल्ड जैसे ऊन के धागे होते हैं ना ऊन जो मम्मा स्वेटर बनाती है जब स्वेटर बनाना है तो वो क्या करती है उसका एक बॉल बनाती है उनको रोटेट कर करके ऊन के गोले बनाती है ऐसे ही जब क्रोमेटिन ने जब सेल ने डिवाइड करना है तो हर क्रोमेटिन कॉइल हो जाएगा तो उसके बाद इस तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे एंड दिस स्ट्रक्चर is called as chromosome. So the question comes, what is the difference between chromatin and chromosome? Do you get me? Chromatin are long thread-like structures formed of DNA and proteins. Whereas chromosome is the मतलब इट इज फॉर्म्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स बट इट इज डिस्टिंक्ट एंड कॉइल्ड और यू कैन से व्हेन द क्रोमेटिन कॉइल्स टू फॉर्म डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर जो हमें क्लियरली नजर आ रहे हैं डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम लिख लो ये चीज क्योंकि ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम दो जो है वो कॉलम्स बनाओ दो इस तरह से कॉलम बनाओ एक तरफ लिखो क्रोमेटिन और दूसरी तरफ लिखो क्रोमोसोम क्रोमेटिन इज अनकॉइल्ड लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स Thread-like structures which form entangled mass. Entangled means ek dusre ke saath fase hue hai, which form entangled mass in the nucleus of non-dividing cells. जो सेल डिवाइड नहीं कर रहे उसमें है ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल क्रोमोसोम में आ जाइए दूसरी तरफ क्रोमोसोम में लिख लो
इन द डिवाइडिंग सेल, इन द डिवाइडिंग सेल्स द क्रोमेटिन कॉइल्स, द क्रोमेटिन कॉइल्स टू फॉर्म डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स, टू फॉर्म डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज क्रोमोसोम, कॉल्ड एज क्रोमोसोम. अब आ जाता है बेटा, अब आपको होगा कि क्रोमेटिड क्या है. एक और चीज आ गई कि व्हाट इज क्रोमेटिड. आई एम सॉरी, एक मिनट बेटा. सो व्हाट इज ए क्रोमेटिड, आप यहां पे देख रहे हो ये क्रोमोसोम है. इज इट ओके, क्लियर है? Yes. अब क्रोमेटिड, हमने यहां का सिस्टर क्रोमेटिड. बेटा एक डॉक्यूमेंट है, जब उसकी हमने एक कार्बन कॉपी करवा ली तो क्या बन जाएगा? अब हम क्या कहेंगे, ये दोनों क्या है, सिस्टर. ये देखो ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों एक दूसरे की कार्बन कॉपी है. So these are chromatids. ठीक है, लिखो जरा, ये भी लिख लो. Difference between chromosome and the chromatid. क्रोमेटेड ये जो है, तो यहां पे लिख लो व्हेन द क्रोमोसोम फॉर्म्स इट्स कार्बन कॉपी Then the two copies of the same chromosome are called as sister chromatids. Beta, हर cell में nucleus है, yes or no? हर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स है, यस और नो? हर सेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म, यस और नो? एक गैमीट्स को छोड़ दो, बाकी सब. हमारे सेल में कितने क्रोमोसोम्स है, डू यू नो दैट? हाउ मेनी? 46. बिल्कुल ठीक है. सो ह्यूमंस, हम इनको कहते हैं 2n इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम्स. व्हाट इज 2n? 2n मींस टू सेट्स है हमारे पास, या हम इसको और क्या कह सकते हैं, 23 पेयर्स भी हम कह सकते हैं, यस और नो? पेयर्स मतलब लेट अस से दो शूज है. एक शू आपको आपकी मम्मा ने दे दिया, एक शू आपको आपके पापा ने दे दिया, तो आपके पास एक पेयर ऑफ शू बन गया, यस और नो? लाइकवाइज ये जो 46 क्रोमोसोम्स है, ये 23 पेयर्स है, लेट अस से ये पेयर है. तो इसमें जो एक क्रोमो, या यहां पे आ जाइए, एक जो क्रोमोसोम है ये मैटरनल है, मदर से आया है, और एक जो है वो पैटर्नल है, वो फादर से आया है. तो आप ये कहें 23 पेयर्स है, इसका मतलब हमारे पास दो सेट्स है,
इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स है, और जब ये दोनों मिले तो क्या बन गया, 23 पेयर्स। यस और नो? ये 23 क्रोमोसोम्स कहां से आए? ये आए एग से। और ये 23 क्रोमोसोम्स कहां से आए? ये आए स्पर्म से। मेल गैमेट से आए, फीमेल गैमेट से आए, मदर से आए, फादर से आए, और फिर जो जाइगोट बना उसमें कितने आ गए, 23 पेयर्स। फर्स्ट क्रोमोसोम ऑफ द फादर, मुझमें फर्स्ट क्रोमोसोम ऑफ माय फादर पेयर्स विद द फर्स्ट क्रोमोसोम फ्रॉम माय मदर, यस और नो? यस। एंड दैट इज कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस आप यहां पे देख रहे हो, दोनों एग्जैक्टली सिमिलर है, राइट? सो होमोलोगस, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, वन पेयर ऑफ सिमिलर क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको? यस, बोलो जरा, नाइन्थ बी, होमोलोगस पेयर या होमोलोगस क्रोमोसोम्स। व्हाट आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स? वन पेयर ऑफ आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स। सारे बोलो जरा जल्दी से, नाइन्थ ए, आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स, वन पेयर ऑफ आइडेंटिकल। बेटा पेयर तो तभी पेयर आइडेंटिकल होंगे, यस और नो? यस। सर हमारे पास रेड शू है और एक ब्लैक शू है, हम उसको ये नहीं कह सकते पेयर ऑफ शूज, नहीं, दोनों राइट और लेफ्ट फुट का दोनों ब्लैक शूज होंगे तभी हम सेम होंगे, तभी हम उसको पेयर कहेंगे, नहीं तो हम पेयर नहीं कहेंगे। तो व्हाट आर होमोलोगस क्रोमोसोम? अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स या पेयर ऑफ आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यस और नो? ओके, सो नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिविजन्स आर देयर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिविजन्स। कौन कौन सी टाइप के डिविजन्स है? माइटोसिस एंड मियोसिस, राइट? चलिए, इज इट क्लियर हियर? सो what happens during mitosis? बेटा जब हमारा zygote, zygote एक single celled है, it is one cell, it divides to form two identical cells, then four identical cells, then eight identical cells and so on, and this formation of identical cells, daughter cells, it occurs by mitosis ki meiosis? Meiosis. Dubara se, mitosis ki meiosis, ninth B batayegi. Zor se. Mitosis. Mitosis ko hum kya bolte hai beta? It is called as equational division. Mitosis is called as equational division. एक ये parent cell है, it divides to form two daughter cells. Mitosis में कितने daughter cells बनते हैं? Ninth है? Daughter cells बनते हैं. और जो ये daughter cells है, they are identical to the parent cell. अब देखिए mitosis किस तरह से है. एक घर है, उसमें दो भाई इकट्ठे रहते हैं. उनकी family बड़ी हो गई, सब कुछ, then they प्लांड कि अब हम अलग अलग घर में रहेंगे. तो उन्होंने क्या किया, हर चीज डबल की. अपना फ्रिज दो लिए पहले, फिर टीवी दो लिए, फिर बेड्स दो लिए, हर चीज दो दो ली, और फिर इक्वली जो है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर ली. अब एक के दो घर बन गए, बट दोनों घर आपस में एक जैसे है, राइट? इक्वल है. तो पहले क्या हुआ, हर चीज डबल हुई और फिर इक्वली डिवाइड हो गई. इज इट ओके? दिस इज माइटोसिस. सेल में ये सेल था बेटा पहले, पहले अगर हम कहें ये देखिए, ये आपको चार क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं, ऐसे थे चार क्रोमोसोम,
डू यू गेट मी? दिख रहा है आपको? ये पेरेंट सेल था, उसके बाद क्या हुआ, ये सिर्फ न्यूक्लियस दिखा रहे हैं, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो गई और ये बन गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो गई। और अब दूसरा क्या हुआ, हर क्रोमोसोम ने अपनी कार्बन कॉपी बना ली। अब इन दो को क्या बोलते हैं बेटा? When each chromosome form two copies, it is called as, the two are called as sister chromatids, right? क्या बोलते हैं इनको? Sister chromatids. सबसे पहले अगेन एक चीज और बताऊंगी, सबसे पहले क्या था, ये क्या है? नहीं, ये क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। उसके बाद ये कंडेंस हुए, कॉइल हुए, क्या बनाया इन्होंने? क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम ने अपने आप को डबल किया, तो इन दो को हमने क्या बोला? सिस्टर क्रोमेटिड्स। वेरी गुड। इस तरह से हर चीज डबल हुई बेटा, साइटोप्लाज्म भी डबल हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया डबल हुआ, क्लोरोप्लास्ट डबल हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एवरी ऑर्गेनेली गेट्स डबल्ड, राइट? और फिर उसके बाद ये सारे सेंटर में अरेंज हो गए। अब जो डुप्लीकेट कार्बन कॉपीज थी, है ना, वो सब अलग होनी शुरू हो गई, राइट? हर क्रोमोसोम की जो ये कार्बन कॉपी थी, ये एक क्रोमोसोम, ये इसकी कार्बन कॉपी, फिर दूसरा क्रोमोसोम, ये इसकी कार्बन कॉपी। तो अब जो है ये बीच में से कटे, कार्बन कॉपीज अलग अलग हो गई, और हर जो है डॉटर सेल है उसके पास चार क्रोमोसोम, जो पहले यहां थे चार क्रोमोसोम, वही चार क्रोमोसोम डॉटर सेल्स के पास आ गए। इज इट ओके? यस मैम। तो फर्स्ट स्टेप इज रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, डुप्लीकेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनेल्स। सेकेंड थिंग, सेपरेशन ऑफ डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस अकर्स, एंड देन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सो माइटोसिस इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन, नाइन्थ बी। हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड इन माइटोसिस? यस, जोर से, टू। देयर आर टू डॉटर सेल्स। Two daughter cells are similar to parent cells or dissimilar to parent cells? Similar to parent cells. If the parent cell has 46 chromosomes, then each daughter cell has how many chromosomes? 46 chromosomes, right? So in mitosis, what is the function of mitosis? To increase the number of similar cells. ठीक है, सेम सेल्स का नंबर इंक्रीज करना, हिलना नहीं, सीधे होके बैठो बेटा, ज्यादा मोशन करोगे तो एनर्जी वेस्ट होती है आपकी, राइट? सो व्हाट इज द फंक्शन? पहली बात तो माइटोसिस क्या है? माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। सेकंड थिंग, हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म? टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म। थर्ड थिंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोसिस? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ similar cells, that is the function of mitosis. Is it clear to everybody? Yes. ठीक है, चलिए next हम आते हैं। Next is meiosis. एक मिनट बेटा, चलिए आप इसमें छोड़ो, ये मुझसे हो नहीं रहा है, बट व्हाटएवर। चलिए नेक्स्ट इज मियोसिस।
हाउ मेनी क्रोमोसोम, हाउ मेनी सेल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस? फोर डॉटर सेल्स. फोर डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस. So, the four daughter cells are similar to parent cell or not? Yes or no? They are not similar to the parent cell. ठीक है, मैं एक मिनट ये दिखाती हूँ भी ये क्या चक्कर पड़ गया. Okay. एक मिनट बस ये हो जाता है अभी. Yes. So, this is meiosis. आप क्या देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे देखो ये है meiosis. Meiosis का दूसरा नाम क्या है? Do you know another name of meiosis? Yes, tell me. Reductional division. Reductional division. Very good. आप क्या देख रहे हैं बेटा कि दिस इज पेरेंट सेल. कैन यू सी दिस? यस मैम. पेरेंट सेल में वन पेयर एंड टू पेयर, टू एन इज इक्वल टू फोर, या टू पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, यस और नो? एंड दीज आर डॉटर सेल्स. आप क्या देख रहे हैं, हर डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम्स है? टू है ना? क्या यहाँ पे पेयर है कि पेयर नहीं है? नहीं है, पेयर नहीं है. पेयर्ड क्रोमोसोम्स अलग हो गए. सो डॉटर सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट सेल्स बिकॉज ईच डॉटर सेल हैज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. यस और नो? यस मैम. ठीक है. सो मियोसिस, इन मियोसिस बेटा इसको क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स. क्या बोलते हैं इसको? कौन से क्रोमोसोम्स है ये? होमोलोगस क्रोमोसोम्स. सबने बोलना है होमोलोगस क्रोमोसोम्स. सो ड्यूरिंग मियोसिस देयर अकर्स सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स सो दैट ईच सेल हैज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. क्यों चाहिए? कहां पे? नाइन्थ ए, सॉरी नाइन्थ बी, रोल नंबर 10. माइक के पास आओ जल्दी से, भाग कर आना. रोल नंबर 11 नाइन्थ ए, आप भी आ जाओ माइक के सामने. पहले नाइन्थ बी, रोल नंबर 10. हां जी बेटा, आप बता सकते हो कि कौन से सेल्स में क्रोमोसोम नंबर आधे होते हैं? Do you know that? जोर से बोलो बेटा. नाइन्थ ए नहीं बोलेगी, नाइन्थ बी ओनली. यस पेरेंट सेल तो ठीक है बेटा, बट हमारे अंदर कहां पर मियोसिस हो रही है बच्चे? अभी आप रुको जरा, अभी आप यहाँ पे. हाँ जी, नाइन्थ ए में से एक बच्चे को मैंने खड़ा किया था बच्चे, 11 रोल नंबर आई होप. हाँ बेटा आप बताओ, वेयर मियोसिस अकर्स इन अवर बॉडी? यस और नो? पता है कि नहीं? रिप्रोडक्शन. इट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन. एक मिनट. मियोसिस हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन. देखो बेटा दोनों ध्यान से और बाकी भी सारे ध्यान से देखो. हम कहते हैं एक एग फीमेल गैमीट है और इधर स्पर्म है, मेल गैमीट है. यहां भी कितने क्रोमोसोम्स है? 23. और यहां भी 23 है और जाइगोट में आगे 46 क्रोमोसोम्स. हमारे हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स है, तो कौन सी डिवीजन है? यस नाइन्थ ए, रोल नंबर 11 खड़े हैं. कौन सी डिवीजन है जो 46 क्रोमोसोम से 23 क्रोमोसोम्स करती है? सेल डिवीजन. सेल डिवीजन है कौन सी? माइटोसिस की मियोसिस?
माइटोसिस. बेटा हमने किसकी बात कर रहे हैं, माइटोसिस हमने कहा था इक्वेशनल, जो कोई चेंज नहीं करती, कार्बन कॉपी करती है, एक सेल से दो सेल बना दिए जो सेम है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर नहीं चेंज हुए. जबकि मियोसिस यहाँ पे देख रहे हो आप फोर है और यहाँ पे टू क्रोमोसोम्स है. तो अब मुझे बताओ कि विच डिवीजन रिड्यूसेस क्रोमोसोम नंबर 46 टू 23. यस मियोसिस. मियोसिस, ठीक है. अब मुझे ये बताओ बेटा, आप ही बताओ कि कहाँ पे, अब हमने कहा है 23 क्रोमोसोम्स कहाँ पे, एग में है या स्पर्म में है, ये क्या है, गैमीट्स है कि नहीं ये, यस और नो बेटा. गैमीट्स कहाँ पर बनते हैं बच्चे, एग कहाँ पे बनता है, आपने 8th क्लास में पढ़ा है वेयर द एग इज फॉर्म्ड इन अवर बॉडी. आप बैठो सर, आप बैठो, आप बैठो. यस, रोल नंबर 12 9th बी, जल्दी से भाग कर आओ. 13 आ जाओ, रोल 10th 9th बी 13 रोल नंबर. 14 आ जाओ, जल्दी से भाग के आओ बेटा. आप बताओ कि स्पर्म्स कहां पर बनते हैं बेटा, कौन से ऑर्गन में बनते हैं स्पर्म्स बच्चे. मैं ऑप्शन दे देती हूँ आपको, इधर देखो, किसी से पूछना नहीं है, मेरे से ही पूछ लेना. मैं ऑप्शन दे देती हूँ, स्पर्म्स बनते हैं ओवरीज में या पैनक्रियाज में या किडनीज में या टेस्टिस में, कहां पर बनते हैं बेटा. ओवरी. बेटा तुम्हारे में ओवरीज है. डू यू ना, लेट हिम टेल, डू यू हैव ओवरीज बच्चे, यस और नो. व्हाट यू हैव टेस्टिस, यस और नो. बेटा ये 8th क्लास का मुझे पढ़ाना पड़ेगा आपको. क्या है आपके पास, पैनक्रिया सब में है, यस और नो. किडनी सब में है, यस और नो. टेस्टिस किस में होती है, मेल्स में. और ओवरीज किस में होती है, फीमेल्स में. तो स्पर्म्स किस में बनेंगे बेटा, अब ये बताएगा, ये बच्चा बताएगा 9th बी का. क्या नाम है बेटा आपका, करण. जोर से माइक के पास जाकर. हाँ जस करण. करण जस करण की करण सिर्फ जस करण. जस करण, ओके जस करण. यू टेल मी कि स्पर्म्स आर द मेल गैमीट्स, वेयर दे आर फॉर्म्ड नाउ, यू टेल मी. टेस्टिस. टेस्टिस, वेरी गुड, वेरी गुड. बैठो बेटा जस करण, बैठो. वेरी गुड. सो स्पर्म्स आर फाउंड इन टेस्टिस. रोल नंबर 16 9th ए. Sperms are formed in testes and eggs are formed in ovaries. Yes or no? 9th B? ठीक है. तो अब मुझे ये बताइए कि मियोसिस ह्यूमंस में कहां पर हुई, मेल्स में कहां पर हुई मियोसिस. 9th B. मैम जरा देखना, 9th A डिस्कनेक्ट हो गई है, रुक गई है, जरा देखेंगे प्लीज. हां जी बेटा, 9th बी रोल नंबर 16 16, जल्दी से आ जा बेटा. अब ध्यान से मेरी बात सुनना कि स्पर्म्स बनते हैं मियोसिस से और स्पर्म्स बनते हैं टेस्टिस में, ठीक है. अब मुझे ये बताइए इन विच ऑर्गन, मैंने आपको आंसर बता दिया, इन विच ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी मियोसिस अकर्स. आपने टेस्टिस में हो रही है और मुझ में कहां पर हो रही है, ओवरीज में. वेरी गुड, दैट्स गुड. बैठो बेटा, वेरी गुड. सो वेयर मियोसिस इज अकरिंग, मियोसिस इज टेकिंग प्लेस इन द सेक्स ऑर्गन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. लिखो कॉपी में, राइट डाउन. लिख लोगे ना तो याद रहेगा.
meiosis is reductional division. Meiosis is reductional division in which there occurs separation of homologous chromosomes. In which there occurs separation of homologous chromosomes. Second point likhiye. Four daughter cells are formed. Four daughter cells are formed. Next point likhiye. Each daughter cell has half the number of chromosomes. Each daughter cell has half the number of chromosomes as compared to parent cell. अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूं, सुनना ध्यान से, है ना, और मुझे आंसर बताना. सो राइट डाउन, कॉलम्स बना लो. एक कॉलम में आपने लिखना है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट सेल. दूसरे का कॉलम में लिखना है टाइप ऑफ डिवीजन. और तीसरे कॉलम में है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स. यहां पे है 2n है 10, b है 2n 16, c है 2n 20, डी है 2n 84. फर्स्ट डिवीजन है माइटोसिस, सेकंड है माइटोसिस, थर्ड मियोसिस, फोर्थ माइटोसिस. अब मुझे आपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बताने हैं इन डॉटर सेल्स. दिस यू विल टेल मी, जल्दी से. लाइट सोल्यूशन, उसकी भी लाइट लुइट का ही कोई दिक्कत थी, इनके वो नहीं लगा हुआ जनरेटर या कुछ.
हाँ जी बेटा, ये कौन सी है, नाइन्थ ए की नाइन्थ बी? इट इज नाइन्थ बी, यस और नो? ओके, चलिए नाइन्थ बी ये लिखिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट सेल मैंने लिखे है, टाइप ऑफ डिवीजन मैंने लिखी है, अब आपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स मुझे बताने, जल्दी से। फर्स्ट में 20। अच्छा एक मिनट बेटा, बस मैं आपको बताती हूँ, देखो ध्यान से देखो, मैं दोबारा से आपको एक बार, वेरी गुड, आप खड़े होके आराम से आए, कि मैंने दोबारा से कि माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है, नाइन्थ बी नाइन्थ ए आल्सो बच्चे हो, ये क्वेश्चन लिखना है बेटा, मैंने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मैं एक मिनट नाइन्थ बी बेटा नाइन्थ ए को भी बता दो, कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट सेल, टाइप ऑफ डिवीजन आपने मुझे बताने, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स, अगेन मैं बता रही हूं कि माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, जिसमें डॉटर सेल्स में उतने क्रोमोसोम्स होते हैं जितने पेरेंट में होते हैं, मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं। नाउ नाइन्थ बी द गर्ल इज स्टैंडिंग, यस, नाउ टेल मी, फर्स्ट में 10, फर्स्ट में 10 आ जाएगा, सेकंड में 16, सेकंड में 16, थर्ड में 10, थर्ड में 10, फोर्थ में 84। चलो ये आपने बताया, वेरी गुड वेरी गुड, क्या नाम है बेटा आपका? अमनदीप। अमनदीप, वेरी गुड, रोल नंबर क्या आपका? 1। बैठो बच्चे बैठो, हाँ जी नाइन्थ ए में से मैम किसी लड़के को खड़ा करो, जो सबसे शरारती बच्चा है उसको खड़ा करो, हाँ जी बेटा आप बताओ, ये तो एक लड़की ने बताया, दैट इज ए सेपरेट इशू, आप बताइए कि पेरेंट सेल में 10 है, माइटोसिस हुई तो डॉटर सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 10 हो गए, 10 आपने कहा, 10, दूसरे में 16 है, माइटोसिस हुई कितने? 16 है, 16, इधर उधर नहीं किसी ने बोलना बेटा, थर्ड में 20 क्रोमोसोम्स है, मियोसिस हुई तो कितने? 20 हो रही है, मियोसिस हो रही है, रिडक्शनल डिवीजन है, 10 है, 10, 10 आधे होंगे, और फिर है 84, माइटोसिस हो रही है, 84, is everybody clear? Mitosis में same और meiosis में आधे, clear है, भूलोगे तो नहीं? That's good, that's good. चलिए जी, अब हम जल्दी से आते हैं। Excuse me ma'am. हाँ जी ma'am, meiosis में 20 के 5 नहीं आई बेटे, 20 के देखो यहाँ 20 है, लेट अस से इधर 20 है, एक मिनट, पेरेंट सेल में 20 क्रोमोसोम्स है, अगर पेरेंट सेल में 20 हुए तो आधे कितने होंगे उसके बेटा? 5। 20 का आधा कितना हुआ? 10। 10, 20 means 10 pairs of क्रोमोसोम्स, बेटे देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो तो पहले ये 4 थे, उसके बाद 4 से 8 हुए, डबल हुए सबसे पहले, और फिर 8 के 4 सेल्स में डिवाइड हुए, यस और नो? ठीक है, समझ में आई कैसे? ठीक है, तो ऐसा नहीं कि भी 4 है तो एक एक क्रोमोसोम नहीं जाएगा, एक एक क्रोमोसोम जाएगा, नहीं, दो दो आधे होंगे, क्योंकि पहले डबल हुए और फिर आधे हुए, यस और नो? तो इसलिए हमने इसको नहीं देखना, इसको हम अगर इसको देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आपने सिर्फ इसको देखना है, पेरेंट सेल में
चार है तो डॉटर सेल्स में आधे हो जाएंगे, दो दो आ जाएंगे. इज इट क्लियर? ठीक है. और आप कहोगे भी कैसे चार डॉटर सेल्स में कैसे आधे आधे हो गए, तो ये क्योंकि पहले डबल हुए थे फिर उसके बाद उनकी सेपरेशन हुई. इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए गुड. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा सेल के बारे में, है ना. अभी हमारे पास 5 मिनट है, फटाफट से हम. दिस इज ए प्लांट सेल, यस और नो? ठीक है, चलिए. प्लांट सेल में सबसे पहले क्या चीज आती है, सबसे बाहर क्या है बेटा? सेल वॉल है. ठीक है, सेल वॉल के अंदर क्या आ जाता है? दिस इज सेल वॉल. सेल वॉल के अंदर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर क्या आ जाता है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन. देन लार्ज पोर्शन ऑफ द प्लांट सेल इज कवर्ड बाय साइटोप्लाज्म. नहीं, साइटोप्लाज्म तो ये है. व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल या सैप वैक्यूल. देन हेयर विच हैज, विच इज द हेड ऑफ द सेल? दिस इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूअस विद, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बना रही है, उसको रीजेनरेट कर रही है, इसलिए ये इसके साथ ही पड़ी हुई है. दिस इज द जनरेटर ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया. द किचन ऑफ द प्लांट सेल इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट. द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल आर कॉल्ड एज द प्रोटीन फैक्ट्रीज राइबोसोम्स. द स्टोरेज स्ट्रक्चर्स विच स्टोर स्टार्च, विच स्टोर अदर फूड प्रोडक्ट्स, दे आर कॉल्ड एज अमाइलोप्लास्ट या सॉरी ल्यूकोप्लास्ट आप कह सकते हो. द क्लोरोप्लास्ट इज द किचन, वेयर एज स्टोर हाउस आर ल्यूकोप्लास्ट. इज इट क्लियर? दिस इज मूवर्स एंड पैकर्स ऑफ द सेल. Golgi apparatus, movers and packers are Golgi apparatus. Which controls all the activities of the cell? That is called as? Yes, which control all the activities of the cell? Which is that organelle? बेटा जिसके पास सेल के फंक्शंस की सारी इंफॉर्मेशन है वो ऑर्गेनेली कौन सी है? न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस निकाल देंगे तो सेल मर जाएगा. माइटोकॉन्ड्रिया निकाल देंगे फिर भी कुछ टाइम तक जी लेगा, कोई और ऑर्गेनेली निकाल देंगे कुछ टाइम तक सरवाइव कर जाएगा. बट अगर न्यूक्लियस, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम है, it is controlling all the systems of our body, like that nucleus is the control system. Hamara center hai, jaise India ka center kaun sa hai? Delhi hai. Is tarah se ek cell ka ek central part hai, that is the nucleus, head of the cell, controlling system of the cell, which has all the information of the cell, that is nucleus, which has chromosomes ya chromatin material. Is it okay? Yes, ma'am. Then there is present sap vacuole, which has maximum of water
minerals and waste products of the cell. Vacuole का क्या function है? एक तो ये waste products को store करता है, क्योंकि इसके पास maximum water है, इसलिए cell को rigid बना के रखता है. ठीक है? Vacuole सिर्फ sap vacuole is present in the plant cell. Animal cell flexible होता है, जबकि plant cell rigid है. Do you get me? Yes. And rigidity, turgidity to the plant cell is given by sap vacuole. Everybody, turgidity to the plant cell is given by sap vacuole, right? ठीक है? तो जल्दी से हम assignment, आपने ये किया हुआ है? या हम assignment, because it's 10:05 now, तो आप घर से ही assignment करके लाएंगे? Yes. अगली बार हम 15 मिनट ये करके and we will start with motion next time. Is it okay? Yes. Jaldi se aap mujhe bata do, equational division kaun si hai? Meiosis. A reductional division kaun si hai? Meiosis. Hamare germ cells mein, hamare sex cells mein ya hamare reproductive organs mein kaun si division ho rahi hai, mitosis ki meiosis? Meiosis. Agar kisi hamare chromosome, hamare mein 46 क्रोमोसोम्स है, तो हमारे गैमेट्स में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 23. और ये गैमेट्स कहां पे बनेंगे? मेल्स में कहां पे बनेंगे? और फीमेल्स में? जब हमारी स्किन पे चोट लग जाती है, तो थोड़े टाइम बाद रीजनरेशन हो जाती है. कौन सी डिवीजन हेल्प करेगी रीजनरेशन में? Mitosis करेगी. जब हम embryo से fetus बन रहा है, एक छोटा सा एक cell बना था embryo या zygote, उससे जब embryo बनता है तो कौन सी division से बनता है? Meiosis की mitosis? Meiosis नहीं बेटा, mitosis. Same cells बनेंगे ना, right? Zygote बन गया, उसके बाद एक cell से multicellular बनना है, तो कैसे बनेगा? माइटोसिस की मियोसिस? माइटोसिस से. ठीक है, क्लियर है सबको? सेल डिवीजन क्लियर हो गई? हमारे सेल का जो डिवीजन है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? सेल की कौन, सेल का कौन सा स्ट्रक्चर सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस. बिल्कुल बात ठीक है. सेल को ज्यादा एनर्जी चाहिए, कौन सी प्रोसेस से मिलेगी एनर्जी? 9th बी, व्हिच प्रोसेस? 7th क्लास में पढ़ा हुआ है आपने, व्हिच प्रोसेस जनरेट्स एनर्जी फॉर द सेल? रेस्पिरेशन बेटा, है ना? और रेस्पिरेशन कहां पर होगी? व्हिच, इन व्हिच ऑर्गेनेल रेस्पिरेशन अकर्स? पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा है? तो मुझे बताओ कि जहां पर एनर्जी जनरेट होगी, कैसे होगी? रेस्पिरेशन से, तो उसी को ही पावर हाउस कहेंगे. अब जल्दी से बताओ कहां पे रेस्पिरेशन होगी? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, इट इज द साइट फॉर रेस्पिरेशन, बिकॉज़ रेस्पिरेशन जनरेट्स एनर्जी. व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? 9th बी, मुझे आवाज नहीं आ रही, शायद बोला तो होगा. 9th ए, व्हिच इज द साइट ऑफ व्हिच ऑर्ग, इन व्हिच ऑर्गेनेल फोटोसिंथेसिस अकर्स? क्लोरोप्लास्ट. बिल्कुल बात ठीक है. क्लोरोप्लास्ट इज द किचन ऑफ द सेल वेयर सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स. और मैंने आपको बताया था प्रोटीन फैक्ट्रीज. लास्ट क्वेश्चन, प्रोटीन फैक्ट्रीज कौन सी है? दोबारा से, प्रोटीन फैक्ट्रीज कौन सी है? न्यूक्लियोप्लास्ट. हां, प्रोटीन फैक्ट्री जो प्रोटींस बनाएंगी बेटा, राइबोसोम्स. क्या है दोबारा से? राइबोसोम्स. न्यूक्लियोप्लास्ट आर द स्टोर हाउस, जो हमारे जहां पर हम अपनी कनक रख देते हैं, जहां पे चावल रख देते हैं, जहां पे दालें रख देते हैं, वो स्टोर हाउस है न्यूक्लियोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट है हमारी किचन, जहां पर हम खाना बनाते हैं. राइबोसोम्स वो है जहां पे प्रोटीन्स बनते हैं. ओके, याद रहेगा? ठीक है,
अब कौन कौन से बच्चे अगली बार असाइनमेंट करके आएंगे? यस, आई होप एवरीबडी. ठीक है, आज कोई भी टाइम फ्री हो क्लास में, इंटरेस्टिंग असाइनमेंट है, आप कर सकते हैं. मैम थोड़ा सा इनको कहते रहना कि असाइनमेंट करें और फिर हम रिवाइज कर लेंगे. ओके ठीक है जी. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू टीचर्स. ओके बेटा, बाय बाय. बाय बच्चे.